कुछ बातें मुश्किल होती हैं पर नामुमकिन नहीं होती। अगर लगन हो तो सब मुमकिन है, एक नई किरण भी। इस दीवार पर कुछ लिखा जाना था जिसे इंतजार था कि कोई तो पहल करे। ये है दोंद्रो। और ये यहां की सारिका। वैसे तो ये गांव वैसा का वैसा है जैसे सदियों से था, वैसे ही लोग, वैसी ही जीवनचर्या, वैसा ही सब कुछ जो एक गांव को गांव बनाता है। पर चुपके से कुछ बदल रहा है, सारिका उन्हें बदल रही है। जो बातें कभी होती ही नहीं थी इस गांव में, उन पे बात हो रही है। आखिर सारिका ने पहल जो की है। मुझे कुछ बदलना था, मैंने बदला। मैंने दोंद्रो में उस विषय पे बात किया जो कोई नहीं करता था। वो कहती तो नहीं है बहुत कुछ, पर अब करती बहुत कुछ है। पर उसने ऐसा क्या बदला है? बहुत कुछ बदला है। महावारी पर लोगों की सोच बदली है। लोगों का था कि आप ये कैसे विषय पर काम कर रहे हैं, इस विषय पर तो बात ना की जाए उतना अच्छा है। बट धीरे 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 जब लोगों को समझ आया तो लोगों ने फिर अपना एक्सेप्टेंस दिखाया। आज ना केवल किशोरी बालिका बट उनके घर की महिलाएं और पुरुष वर्ग भी अपना सहयोग बता रहा है। गांव के गांव हमारे नई किरण परियोजना में अपना समर्थन दे रहे हैं। जी हाँ, ये आसान नहीं था। और तो और सरोज दीदी जैसी कई महिलाएं भी खासा नाराज थे इस बात पे। पहले इसमें बात करना हम लोगों को अच्छा नहीं लगता था। रेट के समय में मतलब जो भी कुछ बात करे तो उसको किसी को बहुत बताना, छुपा के रखना, ऐसे चलते थे पहले जमाने में। बड़े बुजुर्ग कहते थे कि ये सब के बारे में बात करना अच्छा नहीं था। और जब नई किरण आई, नई किरण की दीदी लोग घर घर में आकर के ये सब के बारे में चर्चा किए, हम लोगों को बहुत अच्छा लगा। मेरी चार बेटियां हैं, उन लोग भी नई किरण को लेके बहुत उत्साहित हैं। एक आदिवासी बहुल गांव में महावारी और उससे जुड़ी स्वास्थ्य समस्याओं पर सामाजिक तौर पर बात करना लगभग नामुमकिन था। पर किसी को तो भीतर से पहल करनी थी। सारिका और कई लड़कियां आगे बढ़ी और बालकों ने हाथ थामा। सारिका की अपनी लड़ाई थी। पिता कम उम्र में गुजर गए, 10वीं पास का सपना सपना रह गया। पर वो हारी नहीं, उसने बीड़ा उठाया अपने से कई बड़ी लड़ाई का। फिर क्या था, शुरुआत हुई एक नई किरण की दोंद्रो में। पहल सारिका और उसकी सहेलियों ने की और बीड़ा उठाया बालकों ने। ये मुद्दा जो कि महावारी स्वास्थ्य प्रबंधन है, ये हमारे एक सामाजिक आंकलन में निकल के बहुत ही महत्वपूर्ण मुद्दा आया था जो कि हमारे समुदाय में व्याप्त है। तो बालकों ने मेंस्ट्रुअल हेल्थ मैनेजमेंट नई किरण परियोजना उस समय चालू करी जब ये कम्युनिटी की नीड थी। इससे जुड़ी जो रोक टोक है, इससे जुड़ी वर्जनाएँ, इससे जुड़ी भ्रांतियाँ जो कि समुदाय को बहुत ही पीछे खींचती हैं, अगर इसको हम सरल और सहज बनाएंगे तो ये बहुत बदलाव की दिशा में आगे बढ़ेगा। फिर शक्ति सहेली मंडल बना और चर्चा शुरू हुई महावारी और उससे जुड़ी तमाम समस्याओं पर और स्वस्थ परंपराओं पर जोर देने पर। मुश्किलें आई पर ये मुहिम आगे बढ़ने के लिए शुरू हुई। फिर क्या था, वो भी जुड़े जिनके बारे में ये लड़कियों ने सोचा भी नहीं था। और दोंद्रो में नई किरण की धूप दोपहर की परवान चढ़ी। नई किरण परियोजना का मैं समर्थन करती हूँ। मैडम लोग आते हैं, बच्चियों का, महिलाओं का बैठक कराते हैं और मैं खुल के मैं समर्थन करती हूँ। पहले इस संबंध में चर्चा ही नहीं होती थी। इस परियोजना के चलने से महिलाएं जागरूक हुई है और उनकी स्वास्थ्य में सुधार हुई है, इसलिए हम पुरुष इस परियोजना को पसंद करते हैं। हमें तो पता नहीं था कि ये पीरियड्स होता क्या है और मम्मी लोगों के साथ क्या क्या प्रॉब्लम होती थी, उनके मानसिक शारीरिक तनाव क्या क्या होते थे। फिर हम लोगों ने ट्रेनिंग ज्वाइन किया, ट्रेनिंग किए थे, ट्रेनिंग किए तो हमें पता चला कि
होता क्या है। फिर हम मम्मी जब बोलती थी तो पूजा कर देते थे, उन लोग जब वीकनेस हो जाता था उनके घर के कामों में सहयोग करते थे, यहाँ तक उनके लिए सैनिटरी पैड लाके भी देते थे। इसीलिए मैं इस नई किरण परियोजना से जुड़ा हूँ। अब ये एक मुहिम है, ऐसी मुहिम जिसमें सब जुड़े हैं, ताकि सब इसको समझे और इसके प्रति जागरूक रहे। ये लड़कियों की वो लड़ाई है जो भविष्य की माओं के लिए है, स्वस्थ और सुखी परिवारों के लिए है। ये लड़ाई उस जागरूकता के लिए है जिसपे बात करने के लिए समाज आज भी तैयार नहीं है। ये लड़ाई हम लड़कियों की है, जिसे हम लड़कियां ही लड़ रही हैं। अच्छा लगता है कि माहवारी के ऊपर अब खुलकर बात होती है। ये जानकारी अब पूरे देश में फैलनी चाहिए, यही हम आशा करते हैं। वेदांता अध्यक्ष श्री अनिल अग्रवाल जी से प्रेरित, छत्तीसगढ़ के किसी कोने में ये लड़ाई आज भी लड़ी जा रही है, जिसे देश के हर कोने में पहुंचने की आस है। हाँ, सारिका भी अब 10वीं पास होने की पहल कर चुकी है और गांव की किसी कोने की उस दीवार पर कुछ लिख दिया गया है, जो पहले कभी खुलेआम लिखा ही नहीं गया। वेदांता और बालको, इन्हीं सामाजिक पहलों के साथ खड़े होने का दूसरा नाम है।